आज जिस वीडियो को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक सुपरस्टार की कहानी है, पर यकीनन आपने उस सुपरस्टार का नाम कभी नहीं सुना होगा। पर इनके जीवन की कहानी इतनी रोमांचक है कि इनकी सिर्फ निजी जिंदगी पर ही दो सुपरहिट फिल्में बन जाए। तो आइए जानते हैं एक गरीब अनपढ़ परिवार में जन्म लेने वाला मासूम लड़का कैसे बन गया हॉलीवुड का सुपरस्टार। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक हॉलीवुड सुपरस्टार कभी अपने बचपन में जंगलों में रहा करता था, और तो और कभी बड़े बड़े घरानों में वो नौकर का काम किया करता था। नहीं यकीन होता? हाँ भाई, यही वो लड़का है जो आगे चलकर हॉलीवुड का पहला भारतीय सुपरस्टार बना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि भारत के महावत से हॉलीवुड के सुपरस्टार बनने के बाद भी इस एक्टर को शहर शहर जाकर क्यों करतब दिखाने पड़े। जब इनके कैरेक्टर पर सवाल उठा तो इनकी पत्नी ने कौन सा बड़ा कदम उठाया। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को हॉलीवुड फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल जाए तो इतना बड़ा आसमान भी उसे छोटा लगने लगता है। पर कभी जंगलों में अपने एक इशारे पर हाथी को नचाने वाले इस लड़के ने हॉलीवुड में काम करने के बाद, न जाने कितनी हिट फिल्म देने के बाद भी, छोटे से छोटा काम करने पर भी गुरेज नहीं किया। उनकी प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हॉलीवुड में उनका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम में लिखा जाता है। ये एक प्रकार की गैलरी होती है। उस गैलरी में फर्श पर स्टार बने होते हैं और उन सितारों पर हॉलीवुड में अपना अद्भुत योगदान देने वाले सितारों के नाम लिखे होते हैं। और उस गैलरी में एक स्टार साबू दस्तगीर के नाम का भी है। चलिए अब ये तो हो गए उनकी प्रसिद्धि के किस्से, अब उनकी निजी जिंदगी में आते हैं। साबू दस्तगीर का असली नाम सेलर शेख साबू था। उनका जन्म 27 जनवरी 1924 को मैसूर के निकट कारापुर के जंगलों में हुआ था। उनके पिता मैसूर के राज परिवार में हाथी पालने का काम करते थे। कारापुर के जंगलों में साबू धीरे धीरे बड़े हुए। 10 साल के हुए तो पिता ने अपने साथ रखा कि काम सिखाएं, जिसके कारण बड़े होकर उन्हें दर दर न भटकना पड़े। 10 साल के साबू अपने पिता के साथ जानवरों के पालने वाली जगह पर ही रहते थे। वैसे साबू पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं थे, मगर उन्होंने चंद दिनों में ही हाथी को काबू करना सीख लिया था। साबू ने महज 3 साल में ही वहां पर सब कुछ सीख लिया था, यहां तक कि वो हाथी से बात करना भी सीख गए थे। अब किसे पता था कि ये छोटा सा काम साबू की किस्मत ही पलट देगा। एक दिन एक अंग्रेज फिल्मकार रॉबर्ट फ्लोहेटी मैसूर राजघराने में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए। वो हाथी पर आधारित फिल्म एलिफेंट बॉय बना रहे थे। जब रॉबर्ट राजभवन में ठहरे तो वहां घूम रहे एक लड़के पर उनकी नजर पड़ी। वो साबू था। साबू अपने एक इशारे पर हाथियों को नचा रहा था। साबू को हाथियों की देखभाल करते हुए देख रॉबर्ट ने मन बना लिया था। उन्हें तो ऐसे ही बच्चे की तलाश थी जिसे हाथियों के बारे में अच्छी जानकारी हो। अब साबू को कास्ट करने पर बात आ गई। रॉबर्ट ने साबू के पिता से बात करी। साबू के पिता ने साबू को विदेश जाने से मना कर दिया। अब खबर राजा साहब तक पहुंची। राजा साहब के कहने पर साबू के पिता मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि साबू के साथ उनका बड़ा भाई भी उनकी देखभाल करने के लिए जाएगा। अब साबू और उनके बड़े भाई हॉलीवुड से जुड़ चुके थे। एलिफेंट बॉय फिल्म की शूटिंग मैसूर सहित लंदन में भी हुई। यह फिल्म मशहूर किताब जंगल बुक पर आधारित है। टीवी में दिखाए गए सीरियल मोगली का किरदार तो अच्छी तरह याद होगा। ये वही जंगल बुक की किताब थी जिस पर आधारित ये सीरियल बना, और हमने इसे बचपन में खूब रोमांचित होकर देखा।
साबू की पहली फिल्म एलिफेंट बॉय साल 1937 में रिलीज हुई। अब साबू दस्तगीर के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। साबू एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। अब लगातार हिट फिल्म देने के साथ साबू की लाइफ में साल आया 1942। इस वर्ष इनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई, नाम था जंगल बुक। इसमें दस्तगीर साहब ने मोगली का ही किरदार निभाया। जब इन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो इनकी पहली फिल्म में इनका नाम साबू था। तभी से लोग इन्हें साबू दस्तगीर कहके पुकारने लगे। और जब इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली तब भी इन्होंने अपना खुद ऑफिशियल नाम भी साबू लिखवाया। साबू के प्रशंसकों की भीड़ ऐसी थी कि इंग्लैंड के पंत प्रधान विस्टन चर्चिल भी साबू के दीवाने थे। लोग ऐसा बताते हैं कि विस्टन चर्चिल भारतीय लोगों से नफरत करते थे। यहाँ हैरानी इस बात की होती है कि साबू ने किसी बॉलीवुड मूवी में काम नहीं किया। हालांकि उन्हें एक बार मौका जरूर मिला था, 1957 में मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाने के लिए साबू को अप्रोच किया गया था। उन्होंने हामी भी भर दी थी और उन्हें वापस भारत लाने की कोशिशें भी खूब की गईं, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम रहीं। वर्क परमिट न मिलने के कारण साबू दस्तगीर बिरजू का किरदार ना निभा सके। उनकी जगह सुनील दत्त साहब ने बिरजू का किरदार निभाया। और मैं तो यही कहूंगा कि सुनील दत्त साहब की बॉलीवुड लाइफ में सबसे यादगार रोल रहा मदर इंडिया का बिरजू का किरदार। अगर उस समय साबू को भारत आने की परमिशन मिल गई होती और मदर इंडिया में वो बिरजू बनते तो शायद उनका नाम कभी गुमनामी में खोया ना होता। जिस तरह से हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए इरफान खान, अनुपम खेर सहित तमाम सितारों के नाम लिए जाते हैं, शायद उसी तरह साबू का नाम सबसे ऊपर होता, लेकिन ये हो न सका। साबू साहब जब 20 साल के थे तब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया। एक सुपरस्टार से सैनिक, अजीब लगता है ना। दरअसल उस दौर में अमेरिका में कानून था, अगर कोई बाहरी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक बनता है तो उसे सेना में अपना कुछ समय जरूर देना होगा। अब साबू अमेरिका के एयरफोर्स में थे, वहां पर भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए। उनके सेवा भाव और कर्मठता को देखते हुए वहां की सरकार ने उन्हें पदक से सम्मानित किया। यहीं से उनकी जिंदगी में अहम मोड़ आया। सेना से वापस आने के बाद उनके लिए सम्मान तो बढ़ गया था, पर हॉलीवुड की दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। साबू को फिल्में तो मिली पर उनमें अब वो बात नहीं थी। अब साबू के लिए वो देखने की बारी थी जो शायद ही कोई सितारा देखना चाहे। काम की तंगी, खोती असफलता को देख उन्होंने इंग्लैंड जाने का फैसला किया। कल हॉलीवुड का है सितारा, आज नौबत ये थी कि एक सर्कस में काम करने के लिए तैयार खड़ा था। उस सर्कस के साथ साबू ने पूरे यूरोप में घूमा। सर्कस में जहां साबू दस्तगीर की एंट्री होती तो देखने वाले उन पर टूट पड़ते थे। और सर्कस में पैसा तो था, लेकिन इतना नहीं था कि साबू दस्तगीर को वहां 3 साल से अधिक रोक पाता। साबू एक बार फिर हॉलीवुड लौटे। इसी बीच साबू दस्तगीर को हॉलीवुड अभिनेत्री मार्लिन कपूर से प्यार हो गया। दोनों का प्यार 1948 के आते आते शादी के बंधन में बदल गया था। अब साबू दस्तगीर फिर हॉलीवुड में वापसी की तैयारी में थे। इस बार साबू ने वॉल्ट डिज्नी की फिल्म अ टाइगर वॉक से अपनी वापसी की और ये फिल्म काफी दिनों तक रिलीज ही नहीं हुई। अब इसे कुदरत का खेल ही तो कहेंगे कि जिस सफलता ने साबू के घर कभी डेरा डाला था आज असफलता और परेशानियां घेर कर बैठी थी। एक के बाद एक नई समस्या खड़ी थी। इंग्लैंड की एक अभिनेत्री ने दावा किया कि साबू उसकी बेटी का पिता है। इस पूरे प्रकरण में साबू की वाइफ साबू के साथ डट कर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरा पति
हरगी जैसा कर ही नहीं सकता। कचहरी के तमाम चक्करों के बाद फैसला साबू के पक्ष में हुआ। काश समस्याएं अब खत्म हो गई होती, पर उन्हें साबू का दामन तो मानो छोड़ना ही नहीं था। अब की बार साबू ने अपने बड़े भाई के साथ फर्नीचर का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय जम ही रहा था कि दुकान में डकैती पड़ गई। साबू के बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने साबू को गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद साबू के घर में आग लग गई। उनका घर धुआं धुआं हो गया। पर लोगों ने कहा, साबू ने बीमा कंपनी से पैसे लेने के चक्कर में ये सब किया। साबू ने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि जैसा मेरे साथ हो रहा है, शायद किसी कुत्ते के साथ भी ऐसा ना हो। सबसे ज्यादा धक्का उन्हें उनके बड़े भाई की मौत ने दिया। 1963 को साबू को दिल का दौरा पड़ा। महज 39 साल की उम्र में साबू मौत की नींद सो गए। अ टाइगर वॉक्स फिल्म उनकी मौत के बाद 1964 में रिलीज हुई। इस तरह साबू दस्तगीर ने काम तो हॉलीवुड में किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की कहानी बॉलीवुड की फिल्मों से कम नहीं थी। भारत के इस महावत ने हॉलीवुड पहुंचकर कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी जहां पर पहुंचना फिलहाल किसी भारतीय के बस में नहीं लगता। आपने वीडियो को यहां तक देखा, मैं आपका इसके लिए आभारी हूं। पर मैं शायद यकीन से कह सकता हूं, आपने इस वीडियो के पहले शायद ही साबू दस्तगीर का नाम सुना हो। अगर आपने वीडियो को बगैर स्किप करे देखा है तो हमारे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। इस सवाल का उत्तर आपका साबू दस्तगीर के लिए श्रद्धांजलि होगा। हॉलीवुड में अपने अद्भुत काम के लिए हॉलीवुड स्टार का नाम किस गैलरी में सितारे के ऊपर लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वैसे अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे द्वारा इस वीडियो की जानकारी इकट्ठा करने में और इस वीडियो को बनाने में 10-15 घंटों की मेहनत को आपका एक लाइक और प्रोत्साहित करेगा। मैं आपके कमेंट्स और लाइक का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।